चले 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 चले। ये बेबी कहाँ से मिला आपको? चले बेटा उधर पैसे डाले, इधर इधर वो देखे वो सामने, इधर दिखाओ इसका बेबी, राइट हैंडी से बेटा, राइट हैंडी से। एक मिनट, ओ मेरे बेटे का हैंडी नहीं जा रहा, मैं बेटे को उठाता हूँ। चले चलो चलो, राइट हैंडी से, वेरी गुड। किधर जा रहे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई मैं खैरियत से नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? वो इसलिए नहीं हूँ कि जो है ना, दो दिन से मैं जिम नहीं गया। दो दिन पहले भाई मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज लगाई थी, आपको मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था। तो मेरा ख्याल था कि 4-5 दिन हो गए हैं या हफ्ता हो गया था मेरे ख्याल से मुझे ना जिम जाते हुए। तो मैंने यार मसल अपना जरा हो गए होंगे, यूज टू हो गए होंगे, तो आज ना बस मसल स्टार्ट करते हैं और सही मतलब दबा के मसल लगाते हैं। भाई मैंने बाइसेप लगाया तो मेरे बाजू में ना उस वक्त तो ठीक था, लेकिन रात को भाई इतना पेन स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगता है मेरा मसल डैमेज हो गया अंदर से। बस ये बाजू मेरा जाम मूव हो रहा है इतना, ये बस ये, इससे ज़्यादा नहीं मेरा बाजू मूव हो रहा है। तो अभी भी आज जुम्मा है, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के नाना दादू के घर आया हूँ। मैंने कहा यार उन्होंने इतनी अच्छी बेहतरीन सी हमें पानी के बाद पी डिश बना के खिलाई है, जाके बंदा थैंक यू बोल आता है यार। जी बेटा, नहीं मैं वॉक बना रहा हूँ। तो अभी मैं नाना दादू के घर आया हूँ, उनको हमने थैंक यू बोला, नाना दादू को उन्होंने कहा मैं इतना अच्छा खाना खिलाया था, ओके। और बाद में मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ ना गुसल करने में यार, जुम्मे की तैयारी करने में, क्योंकि तो मैं बाथरूम मूव नहीं हो रहा था, मैं बहुत मुश्किल से नहाया हूँ। तो अभी बस जुम्मे की नमाज पढ़ के नाना दादू के आ गया, मैंने बताया था आपको। अंजला बेटा नहीं के नहीं आ जाए, तो बस अभी हम नाना दादू के घर से हम जाएंगे। अभी बिना दादू के घर जाना है, बिना दादू के घर हम जाएंगे। और हमने वहाँ पे जाके ना मोहम्मद चाचू के साथ जो उनके पेट्स हैं ना, वो हम सब देखेंगे कैसे हैं, और उनके पास वो भी हैं, फिंजिस भी हैं, वो भी देखेंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं अहमद चाचू का कि अहमद चाचू आ जाए जल्दी से, फिर हम कोई गेम शेम खेल के ना फिर जाएंगे। यार इतना दिन हो गया मैंने गेम ही नहीं खेली यार, तो बस अभी गेम खेल के फिर हम जाएंगे बिना दादू के घर। अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं बिना दादू के घर। अब्दुल्ला बेल नहीं बजा रहा, कहता मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। हाँ जी चलें जी, ये अंकल आ गए हैं दरवाजा खोलने। अब्दुल्ला चले अंकल को अस्सलाम वालेकुम के नहीं। अच्छा अब्दुल्ला ये देखें, ये का ये देखें जरा, मोहम्मद चाचू ये क्या, ये दिखाएं हमें जरा मोहम्मद चाचू, ये देखें बेबी डक का बेबी। मोहम्मद चाचू ने रखा है, उई अंकल क्या, अब्दुल्ला अंकल कह रहे हैं वो बर्ड ने अंडे दिए हुए, उनमें से बेबी आएंगे, देखें जरा किधर हैं। ये देखें जी ये फिंजिस हैं, किधर हैं जी अंडे, इसमें तो ये वाले को साइड पे कर देंगे छोटे से, इसको साइड पे आगे ले जाना। ये पापा ये यहां से खोलते हैं, वो अंदर बैठी हुई है, बैठी हुई बच्चे नजर आ रहे हैं, नहीं एक फिंच भी बैठी हुई है, बैठी हुई फिंच, फिंच बैठी है, वो देखो फिंच बैठी हुई है। वे तोते तोते बेबी, ओ आगू, वो देखो उसके नीचे आगू है, नहीं है है है, वो देखो है बच्चा, नहीं नहीं वो है की है, एक चार है पांच है, पत्नी एक ही नजर आया अभी तो। ये देखिए ये दादी बैठा हुआ यहाँ पे पबजी खेल रहा है,
यार बिले ने नहीं रखी हुई कंप्यूटर में, उसको मैंने बोला था, मैंने कहा यार पबजी डाल इतनी बेहतरीन गेम है यार, आप उसने वो खेल है ना स्पाइडरमैन वाली गेम खेल है ना, बकवास गेम है वो, पता नहीं उसे पसंद है यार। ये जी बिना दादो ने हमें राइस और चने दी हैं, अब्दुल्ला साहब को भूख लग रही ही, बिना दादो के आके ना इसने माशाल्लाह गोश्त कुंजवी भी पी ली है और अब इसको भूख लग रही है, तो अब हम राइस खाएंगे, थोड़े ठंडे हो जाए ना हम राइस खाएंगे। अभी वो बैठा हुआ डक का बेबी देख रहा है, ये डक का बेबी कैसे खाना खा रहा है, उसका खाना छोला था बच्चा, ये काटता है पूरी, काटता है काटता बेटा काटता है, आए खाना खाएं पहले, आए खाना खा के फिर। ये मोहम्मद चाचू को हमने जबरदस्ती उठाया, मोहम्मद चाचू को बुखार हुआ है, अल्लाह इनको शिफा दे सेहत दे। चलें जी अब हम जाके देखते हैं मोहम्मद चाचू के पास कौन कौन से पेट्स हैं, कौन कौन से हैं भाई, मुर्गी हैं और बत्तख हैं। मोहम्मद चाचू के पास हैंस हैं और डक्स हैं, इतनी ज्यादा वो देखते हैं अभी। ओए ये देखें जी, ओहो हो 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 इतनी ज्यादा माशाल्लाह, ओए होए 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 होए, ये मुर्गे ज्यादा हैं इसमें। ये जी कौन सी नस्ल की है, देसी हैं, सब देसी हैं। इनको अस्सलाम वालेकुम कर दो अब्दुल्ला। चूजे किधर हैं, सारे मार गए, वो कैसे, अभी ये तो पीछे बारिश हुई है, उतनी ठंड तो नहीं थी, कोई कवर कर देते ना यार इनको। है ना ये चॉकलेट वाली भी सही है ना, ब्राउन कलर की। चलो चलो बहुत गमल है, दादा खुला जाने दे बेटा, आ जाए दादा खुला जाने दे, वो बाहर आ जाएंगे। अभी ऊपर बहुत धूप है, हम तो भाई जले जले नहीं देख लिया हमने जो भी पैर थे, अभी हम जाते हैं नीचे यार, गर्मी इतनी है और बहुत टेंशन है यार ऊपर तो। यार वो क्या, वो जो उसने वो ग्रीन सब बनाया हुआ है, ये किसका है, इतना छोटा, इतना छोटा कबूतर का पिंजरा है, कोई छोटे कबूतर रखे हैं इसने। चलिए अब हम जल्दी से घर जाते हैं, अब्दुल्ला ने मुझे कहा पापा जी मुझे याद आ गया हमने टीवी लगाना, हाँ हम जाके जल्दी से टीवी लगाते हैं। आप याद नहीं है। जी आप याद नहीं है। मैं मुझे याद नहीं था, मैं याद था। चले चले भी घर, ओके चलो जी घर चलते हैं। अब अभी मैं ऊपर आया हूँ तो बिना दादो के घर से आए, तो अब्दुल्ला थका हुआ था, कहता जी मैंने मोबाइल पे वीडियो देखनी है, तो आप एंड सप्तैन की वो वीडियो देखता है शहर में देहात, और वो ट्रैब एंड वो सप्तैन, वो कहता साफ टैन देखने है पापा जी साफ टैन, उसको मोबाइल दिया, उसको नींद आ रही थी ना, इतना वो इरिटेट हो रहा था ना। नहीं जी मैंने कहा सोचो यार आपको नींद आ रही है, नहीं सोना नहीं है मैंने वीडियो देखनी है, वीडियो देखते देखते उसने चार बजा दिए, नींद से बुरा हाल सो भी नहीं रहा था, फिर मम्मा से भी फेंटी लगी और पप्पा जी ने भी फिर हाथ साफ किया, दो तीन लगाई उसको सही ना, तो फिर रोता रोता उसको मैं बाहर लेके गया हूँ, तो फिर जाके वो सोया। तो मैं अभी छत पे आया हूँ, बेगम कपड़े धो रही हैं, मैंने कहा यार इतनी गर्मी में धो रही है बेगम कपड़े, जाके थोड़ी हेल्प करा देता हूँ यार।
दोस्तों मैंने अभी 10 मिनट लिए हैं, कपड़े सब मैंने टायर पे फैला दिए हैं और मेरा गर्मी से बुरा हाल हो गया भाई। हिम्मत है और सलाम है भाई उन ख्वातीन को जो इतनी गर्मी में छत पे कपड़े धोती हैं धूप में। उफ़ भाई वाकई बहुत गर्मी है यार, मैं मान गया हूँ इन ख्वातीन को जो छत पे कपड़े धोती हैं। अब मैंने इतनी भाई इतनी गर्मी में मैंने काम किया ना, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं दिल कर रहा है मैं जाके ना आइसक्रीम खाता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये मैंने वॉल माउंट लगाया है एलसीडी के लिए और ये टेबल का हाल हुआ है। हुआ ये था कि जो हमारी पहली एलसीडी लगी हुई थी ना उसकी जो सॉफ्टवेयर था उसका जो सॉफ्टवेयर ऐसी थी वो ख़राब हो गई, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया वो ठीक हुई कोई नहीं। 2-3 दिन हमने कोशिश किया रिपेयरिंग के लिए तो अब्दुल्ला ने बहुत मोटा डाला हुआ था साफ टैन देखने हैं पापा जी साफ टैन। अब ये बैठा अभी भी तुराब एंड सब टैन देख रहा है दिहा वो जो उनका चैनल है ना शहर में दिहास। तो एल सी डी ख़राब हो गई तो मैंने भाई अपने जहेज़ सी दी, नहीं मेरे जहेज की, मेरे जहेज की होती है हाँ बीवी के जहेज में आई थी एक LCD LED TV 32 इंच का। हमने कहा चलो यार वो लगा लेते हैं तो वो तो मैंने निकाला सब चीज़ें निकाली। अब वॉल माउंट मैंने लगाया उसमें हॉल किए मैंने तो अब स्क्रू इतने उसके ऊपर जो है ना उसके स्क्रू ड्राइवर से लग नहीं रहे हैं तो उसके लिए हमें ना वो चाबियाँ चाहिए, वो चाबियाँ डूब रही हैं चाबियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मैंने कहा यार भाई काम छोड़ो इधर सारी ज़िंदगी काम होते रहेंगे कल देखेंगे अभी जो काम नहीं हो रहा उसको अभी नहीं कर रहे। गर्मी इतनी लगी थी पसीनों पसीनों हो गए मैं इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हुई है। मैंने यार चलो ये जूस वूस पी लेते हैं स्ट्रॉबेरी का बेगम ने बनाया तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे मुकम्मल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल में भी पापा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। जी खुश हो गया ठंड पै गई है।